नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम लोग पढ़ रहे हैं सातवां स्कंद, पंद्रहवा अध्याय, 22वां, 23वां और 24वां श्लोक। और टॉपिक ये है कि किस तरह अपने दोषों को हम हटा सकते हैं। तो बहुत सारे अनर्थ हैं हमारे में, अनर्थ मतलब ऐसी चीजें जो कि जिसका हमारे लाइफ में कोई वैल्यू नहीं है, अर्थ नहीं है। बहुत सारे विचार हैं, बहुत सारे आइडियाज हैं, बहुत सारी हैबिट्स हैं जो कि आदतें हैं जो कि नहीं होनी चाहिए, जिससे कि हमारी अपनी हानि हो रही है और दूसरों की हानि हो रही है। तो वो आदतें, बुरी आदतें हम कैसे हटाएं? क्योंकि जब तक बुरी आदतें रहेंगी तब तक भक्ति में आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे उदाहरण के लिए अगर आप आलसी हो तो भक्ति में बढ़ना मुश्किल है। थोड़ा सा भक्ति कर सकते हो, भक्ति में तो सभी आ सकते हैं, बुरे भी आ सकते हैं, अच्छे भी आ सकते हैं, बट आगे बढ़ना वो बात अलग होती है। यानी स्कूल में सभी आते हैं, सारे टाइप के बच्चे आते हैं। हाँ, ये बात है कि जो गंदे बच्चे होते हैं वो पास नहीं होते, जो अच्छे बच्चे होते हैं वो पास होते हैं। एडमिशन तो हो जाता है सबका, एटलीस्ट गवर्नमेंट स्कूल में। सो भक्ति में सबका प्रवेश है, बट प्रॉब्लम है कि हमारे अंदर प्रॉब्लम्स हैं, हमारा माइंड डिस्टर्ब हो रहा है, हमें क्रोध आ रहा है। क्रोध तो बहुत डिवोटीज मुझे कहते रहते हैं। कल भी अब मेल आया था एक माता जी, पता नहीं कहाँ से, महाराष्ट्र से, कह रही थी कि मैं चैंटिंग कर रही हूँ, सब कर रही हूँ, बस क्रोध हो जाता है एज यूजुअल। क्या सॉल्यूशन है इन सबका? कोई तो सॉल्यूशन होगा। आपका कोई सॉल्यूशन क्या? सॉल्यूशन है चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। बट प्रॉब्लम यह है कि जब क्रोध आएगा तो हरे कृष्णा चैंटिंग भूल लो बस। सो ये प्रॉब्लम्स है, इसलिए भागवतम में नारद मुनि कुछ उपदेश दे रहे हैं, कुछ प्रैक्टिकल टिप्स दे रहे हैं। जैसे मैंने कल बताया था, एक प्रैक्टिकल टिप है, बुद्धिमान बनना है तो क्या करना चाहिए? भगवान की प्रशंसा करो, आप बुद्धिमान है, दिस इज अ प्रैक्टिकल टिप। सो क्या कह रहे हैं, लेट्स सी। काम सबसे पहला अनर्थ, अनर्थ तो सुने आप, लिस्ट तो पता होगी, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, सब तो सुना ही होगा आपने। मतलब इंडियंस के लिए तो कॉमन चीज है, जैसे आलू टमाटर सब्जी, ऐसी काम, क्रोध, लोभ, कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि इसको जीते कैसे। सो पहली चीज है काम। काम मतलब यहां पे काम मतलब है इच्छाएं, किसी भी तरह की इच्छा, उसको कहते हैं काम, काम वासना, किसी भी तरह की इच्छा। मतलब सेलफोन खरीदने की इच्छा, वो भी काम वासना। फॉर एग्जाम्पल, अगर मतलब नीड है तो बात अलग है, मगर ऐसे ही बस मॉडल चेंज करने की इच्छा, यू सी द पॉइंट, दैट्स द प्रॉब्लम। वो एक इच्छा है, बेकार की इच्छा है, उससे फोन तो फोन ही है, बट अब मॉडल चेंज करना चाहते हो, वो प्रॉब्लम है। सो इसको किसको कहते हैं, काम, काम वासना। आप बैठे हो, आपका मन कर रहा है, पता ही मेरे दिमाग छोले कुलचे क्यों आते हैं हमेशा, आजकल शायद आजकल फेमस है क्या? कोई खाते छोले कुलचे आजकल? आजकल शायद नहीं खाते ना लोग, मैंने देखा भी ठेले वाले छोले कुलचे वाले हैं, है यहाँ है छोले कुलचे, अच्छा दिल्ली, दिल्ली में नहीं दिखाई देते आजकल ज्यादा लोग चाउमीन और ये सब ज्यादा मेरे ख्याल से बर्गर, यूथ्स का तो यही चलता है, थिंक चाउमीन, बर्गर एंड और भी अजीब अजीब चीजें आ गई हैं। सो या अगर आपका मन कर रहा है, मतलब आपने डिनर खा लिया और डिनर खाने के बाद आपका मन कर रहा है चलो जाके कुछ खाते हैं, तो दैट्स अ काम बस ना, क्योंकि आपको फ्यूल तो मिल गया है मशीन के लिए। फिर बेकार की इच्छा आ रही है जिसका कोई मतलब नहीं आपकी लाइफ में, तो ये इस सारी चीजों को काम वासना कहते हैं। बेकार की इच्छा है, उसके बिना भी आपका जीवन चलेगा, मगर आप वो करना चाहते हैं, समझ गए? एग्जाम्पल, ये एक कुछ एग्जाम्पल्स हैं।
सो इसको कैसे जीते हैं? पॉइंट है, जीते कैसे? माइंड तो पता नहीं क्या क्या बोलता रहता है, ये कर लो, वो कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, किसी की जरूरत होती नहीं। 90% चीजों की जो हमारे मन में इच्छा आती है उसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर आप लिस्ट बना के देखो, कोई जरूरत नहीं है। थोड़ा सा टॉलरेट भी कर सकते हो, समझे? सो कैसे जीते हैं? इस मन के पागलपन के विचारों को, इसकी भड़ास को, इसकी भूख को कैसे जीते? प्रॉब्लम ये है कि मन तो पता नहीं क्या क्या बोलता रहेगा। मन की इच्छाएं कभी बंद भी नहीं होगी। भगवान की एग्जांपल दे रहे हैं ना, जैसे आग में घी डालने के समान है मन की इच्छाएं। एक पूरी करोगे 10 और डिमांड करेगा, 10 पूरी करोगे 20 और आएंगे, ऐसी ऐसी होता है, नहीं होता है। सो ओके, कैसे जीते? माइंड को रोके कैसे फालतू की इच्छाओं से? सो क्या टेक्निक है, कोई बता सकता है क्या टेक्निक? क्या टेक्निक, क्या कहते हैं? तो कोई नारद मुनि तो बता रहे हैं आप, ठीक है। तो आपको कुलचे छोले खाने की इच्छा, उसको कैसे लगाओगे सिवा? ठीक है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने बना लिया, फिर अगले दिन भी आ गई छोले कुलचे की इच्छा, फिर अगले दिन फिर चाउमीन की इच्छा आ गई, फिर उसके बाद पिज्जा की। तो ये तो गड़बड़ थोड़ी नजर आ रही है, क्योंकि बढ़ती रहेंगे ना चीजें। एक एंगल में ठीक है, मगर दूसरे एंगल में अगर हम करते रहेंगे ऐसा, तो फिर ये अनकंट्रोल्ड मामला हो जाएगा, है नहीं? तो क्या करें फिर? माइंड तो किसी तरह खेल खाल के हमें चीटिंग करने की कोशिश करेगा ना। इंसान को मनुष्य भी कहते हैं मन का ईश। क्या कह रहे हो? उनका संकट है जिनके पास, मत करो भाई, उनको भी नीचे खींच लोगे, दूर ही रहो। बात तो सही है, बट थोड़ा डेंजरस है। सो एनीवे, दैट्स ओके। सन करना चाहिए, मना नहीं कर रहा मैं, बट कोई ऐसा सॉल्यूशन होना चाहिए जो कि आप फॉरेस्ट में भी अप्लाई कर सकते हो। अगर संग नहीं है तो क्या करोगे आप? मन को वश में नहीं कर सकते क्या? कोई सॉल्यूशन होना चाहिए जो यूनिवर्सल हो, है नहीं? आप जंगल में वैष्णव आ गए तो वैष्णव संग नहीं है, फिर आप कहोगे वैष्णव संग नहीं है तो मैं तो कुछ नहीं कर सकता, ठीक है? नो, दैट्स नॉट अ गुड आइडिया। एक सॉल्यूशन होना चाहिए जो सब जगह, हर टाइम पे, हर प्लेस पे एप्लीकेबल हो, तो वो सही सॉल्यूशन है। तो भागवत हम कह रही है असंकल्पा जयेत कामम, दैट्स अ वेरी गुड। संकल्प से काम वासना को जीत लो। अब प्रभुपाद यहां पे वैसे संकल्प क्या लिख रहे हैं? संकल्प पूर्वक योजनाएं बनाकर मनुष्य को इंद्रिय तृप्ति की काम पूर्ण इच्छाएं त्याग देनी चाहिए। प्रभुपाद कह रहे हैं कि बाय प्लानिंग विद डिटर्मिनेशन, ये टेक्निक है। अगर आपको इच्छाओं को रोकना है, मन को रोकना है इच्छाओं से, तो आपको कोई प्लान बनाना पड़ेगा और उस प्लान को दृढ़ता पूर्वक फॉलो करना पड़ेगा। और प्रभुपाद ने हमें प्लान ही तो बना के दिया है, प्लान ही बना के दिया ना, कि सुबह जल्दी उठो, भगवान की आरती करो, प्लान है ये। और प्रभुपाद ने फिर कहा भाई सुबह उठना है, सुबह उठना जरूरी है, वरना अपराध होगा। उसी तो दृढ़ता पूर्वक हम करते रहते हैं 16 माला। दीक्षा मतलब क्या? दीक्षा मतलब है गुरु आपको प्लान दे रहा है, दीक्षा मतलब यही है। यार दीक्षा ली कि अब दीक्षा ले ली तो क्या है? तो गुरु कहेंगे ठीक है, प्लान ये है अब कि 16 माला करनी है रोज और चार नियम फॉलो करना है, प्लान दे दिया। और ये प्लान तोड़ोगे तो अपराध होगा, यही है ना, उस काम खत्म हो गया। तो दोनों चीजें आ गई, दृढ़ता भी आ गया, प्लान भी आ गया। तो नारद मुनि कह रहे हैं अगर कोई भी आप में प्रॉब्लम है तो कोई प्लान बनाओ और उसको फॉलो करो। सो अगर आप में प्रॉब्लम है छोले कुलचे खाने की, रोज ही मन करता रहता है आपका, शाम होते ही छोले कुलचे नजर आने लगते हैं हर जगह, होता है मतलब क्या? सबकी अपनी अपनी आदतें हैं, नहीं सबकी अपनी अपनी आदतें हैं। सो क्या करना है? तो कोई प्लान बनाओ, प्लान बनाओ। जैसे जो शराब बहुत पीते हैं ना, तो उनके लिए क्या होता है, एक दवाई होती है, तो वो पिला दो तो शराब पीकर उसको उल्टी आएगी,
पता है ना आपको, जो डी एडिक्शन ऐसे होता रहता है तो इस पर छुड़वा देते हैं उनकी शराब। तो वो जो बेबड़े नहीं होते, सुने ना बेबड़े जो होते हमारे तो लैंग्वेज बेबड़े ही बोलते, तो कैसे छुड़वाओगे आप? तो एक दवाई पिला देते हैं, फिर वो शराब पिएगा तो उल्टी आएगी, तो धीरे धीरे उसको शराब पीने से डर लगने लगेगा, पीऊंगा उल्टी आएगी यार, तो छूट जाएगी उसको। ऐसे सिगरेट के लिए भी होता है, एक दवाई होती है वो पी लो तो सिगरेट पिएगा तो मुंह पूरा कड़वा हो जाएगा उसका सिगरेट पीते, तो छोड़ देगा वो। सो ऐसे ही कुछ ना कुछ प्लान बनाओ, कुछ सॉल्यूशन बनाओ, कुछ करो। तो सपोज आपका छोले कुलचे खाने का मन कर रहा है, तो आपने प्लान बनाया, ठीक है मैं जिस दिन छोले कुलचे खा लूंगा अनकंट्रोल होके, उसके अगले दिन मैं क्या करूंगा, उपवास, चलो कुछ नहीं खाऊंगा। तो फिर जब कुछ नहीं मिलेगा तो मन कहेगा भैया मत ही खाओ यार छोले कुलचे, खाना ही नहीं मिलेगा। देखो वो ये जो है ना कि अगर छोले कुलचे खाने का मन कर रहा है तो छोले कुलचे बना के भगवान को अर्पण कर खा लो, ये 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 इंस्ट्रक्शन ABCD नर्सरी क्लास की इंस्ट्रक्शन है। प्रसाद लो घर में, प्रसाद का क्या करना है, आपका मन तो छोले कुलचे खाने का कर रहा है, रोटी से दिल ही नहीं बैठ रहा, आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है, क्या करो, सबकी आदतें हैं, मैं तो देख चुका हूँ अजीब अजीब आदतें होती हैं लोगों की, अजीब अजीब आदतें होती हैं। एक माता जी थी एक अमेरिका में, मुझे अमेरिका नहीं पोलैंड कहीं मिली थी मुझे, मैं भूल गया, तो कह रही थी मेरी बहुत गंदी आदत है। मैंने क्या है, टमाटर खाने की आदत है, खाना खाती है वो रात को 2 बजे उठकर टमाटर खाती है, उसको इच्छा आती है टमाटर खाने की, वो पागल हो जाती है टमाटर नहीं मिलता तो फिर इसमें टमाटर बड़े पड़े हैं। अब ऐसा भी है, व्हाट डू यू डू विद दैट, तो उससे निकलना पड़ेगा ना उसको, वरना भगवान के पास कैसे जाएगी वो? इच्छा तो आनी चाहिए हमेशा हरी नाम लेने की, वो इच्छा हरे टमाटर खाने, तो वो उसी द पॉइंट। सो हमारी अपनी अपनी कुछ ना कुछ इच्छाएं हैं जिसने हमें संसार में रोका हुआ है, उनको हमें जीतना है धीरे धीरे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक दिन में नहीं, मगर कुछ प्लान तो होगा तब तो जीतोगे, और प्लान ही नहीं बनाया तो कैसे जीत जाओगे उसको, है नहीं? तो ये प्लान है सपोज, ठीक है, अगर आप बहुत आलसी हो, सुबह नहीं उठ पा रहे, है नहीं? कुछ लोगों को नींद से बहुत ज़्यादा आसक्ति होती है, पता है कुछ लोग, एक हमारे डिवोटी थे, अब तो पता नहीं कहाँ है, डिवोटी सो कॉल्ड चैंटिंग करता, डिवोटी तो नहीं थे दिल्ली में, तो वो उनको सोने का बहुत शौक था, मतलब संडे जैसे उनको पता चला अगले दिन संडे है, पूरा प्लानिंग सब सोने की प्लानिंग हो गई सीरियसली, मतलब वो ऐसे थे, मतलब मुझे खुद आके कहते थे भैया मैं तो प्लानिंग करता हूँ सैटरडे रात को, पूरी प्लानिंग करता हूँ कब कितने बजे सोऊंगा, इतने 6 घंटे सोऊंगा, फिर उठूंगा, फिर ब्रेकफास्ट लूंगा, फिर सो जाऊंगा, फिर उठूंगा, फिर लंच लूंगा, फिर सो जाऊंगा, पूरे दिन सोता हूँ मैं, तो मेरे से नहीं छूट रहा सोना, वो ऐसे ही था वो, है पता नहीं क्या उसको, क्या उसको क्या मजा आता था सोने में, भगवान जाने, कहते थे मुझसे छूट ही नहीं रहा था, छूट ही नहीं थी, मतलब वो उसको इतना मजा आता है सोने में कि सड़क पे सो जाता है वो पता नहीं क्या, बहुत रिच है वो पैसे, ऐसी बात नहीं है, पता नहीं पिछले जन्म को पता नहीं क्या संस्कार चल रहा है, कई बार सड़क पे सोता हुआ मिला, उसके पत्नी लेके आई, भाई तू सड़क पे सो रहा है, उसको इतनी इच्छा आती है कि भाई सो जाता है वो, रोक ही नहीं पाता वो, सो जाता है। मतलब एक बार तो सोया मयूर विहार में, मयूर विहार में रहते थे, तो वो सोया पड़ा हुआ मिला वहाँ पास में नाली के पास, तो लोगों ने तो सोचा शराब पी है, शराब पी के गिर जाते ना, शराब नहीं पिया उसको, उसको मैंने कहा यार क्या हो गया तू ऐसे क्यों सो गया, कहते पता नहीं अच्छा भला मैं चल रहा था, इच्छा ही सोने की नहीं ऐसा भी होता है, ये एक ही केस है वैसे दुनिया का मुझे लगता है किसी रिकॉर्ड गिनीज बुक का रिकॉर्ड जी, अपना आप जानते हो उसको, शायद आप ही जानते हो, बंदे जानते हैं। सो इच्छा ही तो मैं कंट्रोल ही नहीं कर पाया, वहीं लेट गया,
ऐसा भी है। सो अब पॉइंट ये है कि वो इससे कैसे निकलेगा, तो उसके लिए कुछ बैठ के उसको प्लान बनाना पड़ेगा। नहीं समझ आ रहा तो किसी वैष्णव से पूछोगे, मुझे कुछ प्लान दो और मैं उस पर काम करूं, फिर धीरे धीरे छूटेगा, है ना। इच्छा करने से कुछ नहीं होता, अगर आप केवल इच्छा करके सब कुछ कर लोगे तो फिर दुनिया में कोई काम क्यों करेगा। नहीं, अगर आप इच्छा कर लो कि मुझे 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 1 करोड़ रुपए मिल जाए, मिल जाएंगे, मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। मैं आप बहुत इच्छा कर रहे हो, मैं इच्छा कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं होगा। तभी कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि इच्छा के साथ कुछ ना कुछ कार्य भी होना चाहिए, तब काम होता है। सो दैट्स हाउ अपने मन की, तो अपना क्या करो, आप अपने पहले जाके बैठो, एक कॉपी लो, उसमें लिखो मेरी क्या सबसे गंदी आदत है, 3-4 लिखो, या पहले सबसे टॉप मोस्ट लिखो 1-4-5, फिर एक 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 आदत को डील करो। मैं तो ऐसे ही करता हूँ, सब अच्छे डिवोटी ऐसे ही करते हैं, तभी तो आगे बढ़ेंगे, वरना कैसे हटेंगी चीज़ें। वो चलती रहेंगी, सालों सालों चलती रहेंगी और भक्ति के नाम पे चलेगी, आप देखना, और फंसे रहोगे उसके अंदर। सो या डू दैट विल बी वेरी नाइस। अगर आप आलसी हो, सुबह नहीं उठ पा रहे, तो प्लान बनाओ, ठीक है, जिस दिन मैं नहीं उठ पाऊंगा उस दिन फास्टिंग। फॉर एग्जाम्पल, मैं शुरू में जब मैं भक्ति में आया था, मैं भी नहीं उठ पाता था। जब मैं भक्ति में नहीं था, मतलब कॉलेज में था मणिपाल में, तो हमारा सेंटर था, स्टूडेंट्स नहीं रहते सब साथ में, बेस, तो वहाँ स्टूडेंट लाइफ में तो उठ नहीं पाते, तो मैं उठ नहीं पाता था। तो हमारे साथ जो डिवोटी थे, जो एक गोपीनाथ प्रभु, तो हम तो स्टूडेंट्स, हम सोए पड़े रहते थे, तो वो तो हमारी मतलब सोए हमारी चटाई खींच के ले आते थे, सोए पड़े हम ईश्वर मुझे, वो चटाई खींच के वहाँ मंगल आरती में वहाँ सामने, और शंख हमारे कान में, क्या हो गया भाई, तंग कर दिया तूने। मतलब महाराज कह रहे थे कि तो लंदन में, मैनचेस्टर में, जिसमें मैं मंदिर में गया था, तो वहाँ पे करते थे प्रभुपाद के टाइम, तो शायद ब्रह्मचारी सोए पड़े, नए नए आते थे, उठे नहीं, तो वहाँ पे स्लीपिंग बैग होता है, स्लीपिंग बैग पता है ना आप लोगों, ठंड होती है ना, स्लीपिंग बैग में घुस जाते हैं, तो चेन बंद कर लेते हैं। तो मंगल आरती में उठते नहीं थे वो लोग, तो टेम्पल पर क्या करता था, तो जैसे 4 सोए पड़े उठे नहीं, तो चारों में हुक लगाए, एक यहाँ, हुक से रस्सी जोड़ी, यहाँ रखा और खींचता ले गया, और सीढ़ी थी, सीढ़ी पर धड़ 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 और स्लीपिंग मैन तो बंद ही है, वो क्या करेगा, खोल भी नहीं पाएगा वो अंदर, पेट टूट रही है वो, और वो सीढ़ियाँ भी बहुत ऊपर है, मैं देख के आया, वो दर 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 वो खींचता वहाँ मंदिर में लाकर शंख बजाएगा वो। और एक महाराज कहते हैं उनके साथ ऐसा होता था उस टाइम। सो लाइक दैट इट गोज लाइक दैट। सो भाई या तो प्लानिंग ये है, या तो खुद नहीं कर पा रहे तो किसी को बोलो भैया मुझे डंडा दे, तरीका ये है। खुद नहीं निकल पा रहे तो किसी को बोलो भैया मुझे तू लात मार, डांट मार, कुछ कर, या अपने आप से कुछ ना कुछ अपने पे फोर्स लगा दो। नहीं क्या कह रहे हो आप, पति सर पे डंडा मारता है, ऐसा नहीं होता, आई कांट बिलीव दैट, दिस इज नॉनसेंस। नहीं नहीं मैं ये नहीं हो सकता, चलते और गप मार रहा है, गप मार रहा है मैं, वो ही कर सकता है मुझे लगता है, वो ही करता होगा, तभी पता नहीं कहा है। सो वेल ट्रेडिशनली होता था कि गुरुकुल में पानी पीते थे ट्रेडिशनली, तो मध्वाचार्य ने लिखा है किताब में, मध्वाचार्य करते ऐसे थे कि कोई भी ब्रह्मचारी नहीं उठे पानी डाल दो उस पर, ये था, ऐसे थोड़े ना उठेगा ही नहीं, वो बाल्टी भर के सीधा, आधी बाल्टी वहीं पे तू नहा, कपड़े चेंज कर आ जा, ये वैदिक है, वैदिक सिस्टम है, मतलब मध्वाचार्य करते थे ऐसा, एटलीस्ट तो रिकॉर्डेड है। सो यू सी द पॉइंट, एक एग्जाम्पल है प्लानिंग का,
फास्टिंग कर लो, या इतना नहीं करते ब्रेकफास्ट मिस कर दो, ठीक है, पूरे दिन नहीं करते ब्रेकफास्ट मिस कर दो, ठीक है, सीधा लंच लेंगे, क्योंकि एक दिन मंगल आरती मिस हो गई, फिर अगले दिन से माइंड धीरे धीरे अपने आप ही ट्रैक पे आ जाएगा, देखना अपने आप ट्रैक पे आएगा। या किसी को बोल दो भी मुझे फोन कर दिया कर, प्लीज उठा दे, मैं खुद नहीं उठ पाता, या मेरे घर ही आ जा तू। सम फोर्स इज रिक्वायर्ड, नहीं, क्योंकि मैंने बताया था लातों के भूत, सो हम सब लातों के भूत ही हैं, ये याद कर लो। तो प्रभुपाद ने लिखा है रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर फ्रीडम, आप जितना फोर्स लगाओगे अपने पे उतने ही फ्री हो जाओगे, आप देखना, जितने रूल्स लगाओगे उतने फ्री हो जाओगे, जितना फ्री छोड़ोगे उतने बन जाओगे अपनी आदतों में, ऐसे ही होता है। वे आप किसी को फ्री छोड़ दो बुरी आदतों में फंस जाएगा, आप किसी को रूल्स में रखो तो बुरी आदत उसको फंसाएंगी नहीं, नहीं। सो ये टेक्निक है। तो असंकल्पा जयेत कामम, कोई प्लान बनाओ उसको फॉलो करो, बस इस सिर्फ इच्छा से नहीं हटेगा कि भगवान मेरा हट जाए प्लीज, ये मेरी हैबिट है, कैसे होगा कैसे नहीं होगा, ये वो ये वो ये वो। अरे एक डिवोटी भी मेरे पास दिल्ली आए थे, मुझे ही कहते थे कि प्रभु क्या जब से ये क्या कहते हैं, कहते हैं जियो जियो, जियो का न्यू प्लान आया ना, क्या है 400, हाँ एक पता नहीं प्लान आया, वो ऑलमोस्ट फ्री है, क्या तब से भैया दिमाग खराब हुआ है, क्योंकि जब भी फ्री होते हैं कुछ ना कुछ मतलब व्हाट्सएप कर लो ये कर लो, क्योंकि फ्री है तो माइंड जाता ही रहता है उसमें, कहते मैं तो फंस गया हूँ यार, क्या मतलब एक सस्ते प्लान के चक्कर में मैं फंसी गया हूँ, माइंड ही जाया जा रहा है, बार बार रोक ही नहीं पा रहा मैं, तो फ्री होता हूँ सीधा हाथ वहीं जाता है, ऐसे ही है ना, सीधा वहीं जाएगा, तो क्या क्या करूँ मैं तो मतलब कह रहे मैं इतना थक गया हूँ मैं तो इससे फंस गया हूँ मैं तो, इसने फंसा लिया मुझे। तो मैंने कहा भाई तू जब तेरे को पता लग गया प्रॉब्लम है तो क्या प्लान बनाना है इससे निकलने का, सोच के तो होगा नहीं, निकलेगा तो महीने का भी नहीं निकल सकता इससे, तो प्लान ये है। उसने क्या करूँ, मैंने कहा भाई अगर हो सकता है तो फोन हटा दे पहले, तू स्मार्टफोन ही हटा दे, ना रहेगा बांस मन शांत हो जाए, एक सिंपल रख ले फोन, उसमें नेट नहीं चलेगा कॉल चल जाएंगी, काम खत्म हो गया, पूरा तेरा काम चलता रहेगा, तुझे क्या करना नेट का। फिर कह रहा था कि प्रभु मगर मैं व्हाट्सएप का क्या करूँ, मैं व्हाट्सएप पे तो डिवोटीज के आते हैं ना मैसेजेस, तो मैं ठीक है अगर व्हाट्सएप का करना है तो किसी और को ड्यूटी दे दे, अगर छोड़ना चाहोगे तो हजार आइडिया आएंगे, तो छोड़ना नहीं चाहते तो आइडिया कहाँ से आएंगे, यू सी द पॉइंट। तो कुछ प्लान तो बना, या हो सकता है कि एक और फोन अपने पास रख ले, एक घंटा शाम को व्हाट्सएप चेक करके बस बंद कर, ये भी हो सकता है। सॉल्यूशंस हैं, जैसे मैंने भी अपने पे कर रखा है, तो मैं भी अपने पास नहीं रखता ज़्यादा इंटरनेट चीज़ें नहीं रखता, बस अगर होता भी है तो मैंने टाइम फिक्स किया है, ठीक है शाम को 4 से 5 मैं प्रसाद के बाद नेट खोलूँगा, मेल्स आ रहे हैं ना बड़े सारे, तो कैसे होगा, मेल चेक करूंगा और बंद कर दूंगा, रिप्लाई करके बस फिर नहीं देखूंगा, तो माइंड पीसफुल रहेगा, वरना कभी भी कुछ भी चलता रहेगा फिर वो डिस्ट्रैक्शंस बहुत होती है ना। सी यू सी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, इसको कहते हैं असंकल्पात जयेत कामम, कुछ प्लान बनाओ उसको दृढ़तापूर्वक करो, उससे पहले मगर अपने अपनी बैड हैबिट्स को लिस्ट करो, क्या प्रॉब्लम है आपको, और अगर आपको लग रहा है आप में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तो आईसीयू की जरूरत है मुझे लगता है, इमरजेंसी सिचुएशन है बहुत ज्यादा, किसी वैष्णव के पास जाओ उससे बोलो भाई तू मुझे प्रॉब्लम बता दे प्लीज तेरे पैर पड़ता हूँ, लिस्ट बना कर दे दे, वो उसी टाइम 10 गिना देगा, नहीं दूसरे को तो दिखाई जाती है ना प्रॉब्लम, वो 10 गिना देगा। एक पता नहीं कौन, मैं किसी के साथ ही बैठा था, हमारे कोई रिलेटिव ही थे, उनको प्रचार करने गया था, तो मैंने उनसे बोला कि भी आप अपनी प्रॉब्लम्स बनाओ लिस्ट, तो कहते हैं कि जाता कुछ प्रॉब्लम तो नहीं लग रही मुझे वो तो डिवोटी तो है नहीं, तो फिर मैंने बताया कि मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने उनकी वाइफ से कहा कि आप जरा बताना इसमें प्रॉब्लम
और वाइफ तो आपको पता ही है, वो तो तैयार थी वो चालू हो गई, ये क्रोधी है, मोटे हैं, ये वो है, वो है, दस गिरा। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, मैंने कहा देखा ना आपको प्रॉब्लम है, पता लग रही ना वाइफ से पूछ, और वाइफ को नहीं पता लग रही आप बता दो। इसीलिए भगवान ने, पता है भगवान ने हमें दोष निकालने की आदत है ना, है नहीं है दोष निकालने की आदत, वो इसीलिए रखी है कि जिससे हम खुद नहीं दिखाई देगा तो दूसरों से हेल्प ले सकते हैं, तो वो काम आ जाएगी सेवा में भगवान के, दोष निकालने की आदत। इस अगर दोष निकालने की आदत नहीं होगी तो, अगर दोष निकालने की आदत नहीं होगी तो गुरु अपने शिष्य को सही कैसे करेगा, यमा अपने बेटे को सही कैसे करेगी, नहीं तो बहुत अच्छा है। सो लाइक दैट असंकल्पा जयत, समझ गए नहीं समझ गए, सो दैट्स द टेक्निक। सो आज जाके आप अपने कुछ दोष लिखो चार, नहीं समझ आ रहा तो हमसे पूछ लेना, हम बता देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। मेल डाल देना और 10 दोष वहीं आ जाएंगे, या व्हाट्सएप डाल देना चिंतित प्रभु को, चिंतित प्रभु तैयार होंगे, चलो भैया ये ले, ये 10 ले, तू 20 ले कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपनी आंख का तिनका किसी को नहीं दिखाई देता, और दूसरे की आंख का दिखाई दे जाएगा, है नहीं, ये शास्त्रों में लिखा है। ओके, क्रोध को कैसे जिए जीते, नाउ दैट्स अनदर प्रॉब्लम। क्रोध, क्रोधम, ये जब क्रोध आता है तो मन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, होता ही नहीं होता है, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा फिर कुछ दिखाई नहीं देता, फिर मन अंधा हो जाता है। मतलब जितने भी दुनिया में 99% जो मर्डर्स होते हैं, मर्डर्स जो होते हैं वो ऑफकोर्स प्लान तो होते हैं, बट एट द सेम टाइम वो व्यक्ति बाद में कहता है भाई मैं इतना पागल हो गया था, मुझे पता नहीं लगा क्या होगा। मोस्टली ऐसा होता है, मोस्टली बाद में उसको सब करता है, मैंने क्या कर दिया, तो गड़बड़ हो गई, इतना तो मुझे करना ही नहीं चाहिए था, नहीं। सो क्रोध में ऐसी ऐसी चीजें हो जाती हैं। सो क्रोध को कैसे जीते, नारद मुनि कह रहे हैं क्रोधम काम विवर्जिताम विवर्जनात्। सो जब जैसे जैसे आपकी काम वासना की इच्छा कम होती रहेगी, ऐसे ऐसे इच्छाएं कम होती रहेगी, क्रोध अपने आप कम हो जाएगा, अलग से काम करने की जरूरत नहीं है। अब अपनी इच्छाओं को हटाओ प्लान बनाकर, धीरे धीरे क्रोध खत्म हो जाएगा। क्रोध आता ही तब है जब आपकी इच्छाएं पूरी नहीं होती, बस ये आपको किसी ने बोला कि ऐसा होना चाहिए, आपको इमीडिएटली क्रोध आएगा, आप कैसे ऐसे थोड़ा ना, क्योंकि आपने अपने माइंड में सोच के रखा हुआ है कि नहीं ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, हमने ऑलरेडी सोच के रखा हुआ है ना, उसने कुछ एंटी बोल दिया, मगर आ रहा कि माइंड में आप ओपन हो, ठीक है दैट्स ओके, तो क्रोध नहीं आता। मगर उसको करने के लिए यू हैव टू हैव काम वासना से मुक्त होना पड़ेगा, वरना क्रोध आता रहेगा आपको, है नहीं। सुक्रोधम काम विवर्जनात्। वैसे क्रोध हटाने का रास्ता कुछ लोग कहते नहीं है, मतलब क्या कहते हैं, मतलब उल्टी गिनती कितनों कहते नहीं कुछ लोग, 100, 99, 98, 97, 96 पता है, एक औरत थी उसको बहुत क्रोध आता था, तो एक संत के पास गई, उन्होंने कहा मुझे तो बहुत क्रोध आता है, क्या करूं, तो उसने कहा तू ऐसा कर मैं तुझे एक मंत्र दूंगा, वो जपती रही हो और क्रोध खत्म हो जाएगा। तो उसने ले लिया वो मंत्र और सब क्रोध खत्म हो गया। उसके हस्बैंड ने खूब लगा यार ये कुछ गड़बड़ है, इसका क्रोध खत्म ही नहीं हो सकता, ये खत्म कैसे हो गया। तो उसने फिर उसने कहा तो उसने तो उसने वाइफ से पूछा, वाइफ ने बता दिया कि भी मुझे तो एक सीक्रेट मंत्र है, क्रोध खत्म हो गया। उसने कहा मुझे दिखाओ दिखाओ, तो उसको तो उसने कहा संत ने मना किया हुआ था, आफ्टर ऑल फाइनली उसने दिखा दिया उस मंत्र, पता क्या उस पेपर पता क्या लिखा है, क्या लिखा है, उस औरत को ना अपने पति भी गुस्सा आ रहा था, हाँ तो उस पति का प्रश्न जो उस पेपर पे मंत्र लिखा था, उस मंत्र था कि
कि जैसे ही तुम्हारा पति घर में आए मुंह में पानी भर लो और थूकना मत। जैसे ही घंटी बजती थी पति वो पानी भर के मुंह अब क्रोध क्या करेगी थूकना ही नहीं। तो है जोक बट द पॉइंट इज, पॉइंट समझे आप, पॉइंट है कुछ प्लानिंग थी, समझ रहे हो, कुछ प्लान दिया था उसने, समझ रहे हो। उस संत ने नहीं कहा देखो कोशिश करो तो खत्म हो जाएगा, कभी नहीं होगा, कुछ प्लान था वो अप्लाई करने से खत्म हो गया। अब ऊटपटांग प्लान था वो बात अलग है, मगर प्लान था। सो दैट्स हाउ इट गोस, दैट्स हाउ इट गोस, ये प्लान है, ओके। फिर क्रोध भी खत्म हो जाएगा। लोभ कैसे खत्म करें, व्हाट डू यू से? लोभ, लोभ क्या होता है किसी को पता है? लोभ क्या होता है? लालच, वो तो लालच क्या है? ज्यादा पाने की, ठीक है, और कुछ डिफाइन उसको कर सकते हो तो ठीक है। लालच क्या होता है? लालच लालच वो होता है जब आपके पास चीज है फिर भी असंतुष्ट हो, समझो उसको लालच कहते हैं। चीज है फिर भी असंतुष्ट हो वो लालच है। आपको जाना है, आपके पास गाड़ी है फिर भी असंतुष्ट हो, भाई क्या हो गया, मुझे दो चाहिए और दो का कोई फंक्शन ही नहीं है, है नहीं। अब हमारे दिल्ली में कानूनों में कानूनी प्रिंस अपार्टमेंट में डिवोटी बता रहे थे, उनके रिलेटिव हैं, उन्होंने वो क्या कहते हैं BMW 58 लाख की खरीदी। तो और उनकी दुकान लक्ष्मी नगर में, लक्ष्मी नगर आपको अगर पता होगा तो लक्ष्मी नगर समझ लो कि जैसे आपका मार्केट है ना राजपुरा का, ऐसा है, मतलब छोटी छोटी गलियां हैं वो है वो ऐसे। तो उनका ऑफिस वहाँ है, तो वो BMW वहां पे ले जा ही नहीं सकते क्योंकि BMW पे एक खरोच लगी वो हार्ट अटैक हो जाएगा, तो मर जाएंगे भाई। तो इसलिए वो खड़ी रहती है, वो खड़ी रहती है पूरे साल, पूरे साल के पास कुछ नहीं होता, चला ही नहीं पाते वो, कैसे चल, वो खड़ी रहती है। मैक्सिमम ही होता है, उनके रिश्तेदार आते हैं तो वो दिखाते हैं, देखिए तो वो हमारे पास BMW है बस इतना। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं लालच। कोई नीड नहीं है फिर भी एक गाड़ी है वो फिर भी असंतुष्ट है, एक फालतू में रखी, तो ये लालच होता है। तो हमारी लाइफ में भी बहुत सारी चीजें जिसकी कोई जरूरत नहीं फिर भी हम रखते रहते हैं। अगर हम अपने वैसे बताओ, अगर आप अमेरिका में एक मूवमेंट चला है मिनिमलिस्ट मूवमेंट, आप अपने घर में करके देख लो, आप लिस्ट बनाओ जो चीजें जरूरत नहीं है, 80% चीजें आपके घर के बाहर होंगी। वो क्या करते हैं वो वहां पे बड़े बड़े कार्डबोर्ड ले आते हैं, कार्डबोर्ड बॉक्स, तो एक दो साइड में रख देते हैं, फिर वो जो भी जरूरत नहीं होती उसमें भरते रहते हैं और फिर एक हफ्ते में पता लगाता है क्या चीज जरूरत नहीं है, भरते रहते हैं और फिर देखते हैं अभी 80% चीजें तो उस डब्बे में घुसी पड़ी, जरूरत ही नहीं है। तो लालच से हम कई चीजें खरीदते रहते हैं कोई यूज तो होता नहीं। तो इसको कैसे हटाएं? नाउ दैट्स वन थिंग, कैसे हटाएं इसको, स्पेशली मतलब आई मीन टू से फीमेल्स को शॉपिंग का बड़ा शौक होता है, शॉपिंग, मतलब वो रोकना तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, सही है नहीं होता है। मतलब जितने भी मंडे संडे मार्केट्स नहीं होते रविवार बाजार, सारे औरतें तो घूमती रहती हैं, आदमी तो कम ही दिखाई देते हैं। बॉक्स ले आओ अपने घर घर में रख के देखो, आधी चीजें गायब हो जाएगी, देखना जरूरत नहीं होगी, आधी क्रॉकरी आपकी, आधी चीजें कपड़े उपड़े जो भर रखे हैं सब खत्म हो जाएंगे, जरूरत नहीं होती, बट पड़े रहते चलो ठीक है बड़ा जरूरत। पॉइंट ये कि इस लालच से निकले कैसे, प्रॉब्लम ये है निकले कैसे इससे। ऐसा नहीं गृहस्थों को ही लालच होता है, ब्रह्मचारियों को भी बहुत होता है, मंदिर में रहने वालों को
लालच तो हर जगह है, कोई ऐसा थोड़ी ना कि मंदिर में रहना शुरू कर दो लालच खत्म हो जाएगा। तो मंदिर में रहने बस तरीके अलग होते हैं, बाहर जो रहते हैं उनका लालच होता है टीवी काड़ी चीजें, जो मंदिर में होते हैं उनका लालच होता है समोसे महाप्रसाद, ऐसे ऐसे लालच शुरू हो जाता है। होता है महाप्रसाद का लालच, धोतियों का लालच, इसका तीन है मेरे पास चार होनी चाहिए अब, मतलब ऐसी छोटी छोटी चीजों अजीब अजीब चीजें शुरू हो जाती है। साबुन का लालच, तेल का लालच, इसका सर ज्यादा चमक रहा है मेरा क्यों नहीं चमक रहा यार, ऐसा भी होता है, मतलब अजीब 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 चीजें होती हैं। मतलब मैं तो सोचता हूँ देख देख के, मैंने कहा भाई ऐसा कैसे सोच सकता है ये सोच ही कैसे सकता है ऐसा ऐसा भी है। और ऐसा नहीं है आप नहीं सोच सकते, कोई भी व्यक्ति किसी भी लेवल पे गिर सकता है, जब सिचुएशन आएगी तब पता लगेगा कौन कितना पानी है, सिचुएशन से पता लगता है, ऐसे नहीं पता लगता। ऐसे तो सब हरिचंद्री औलाद है, बहुत नन्हे मन्ने मासूम बच्चे हैं, कोई मासूम मासूम बच्चा नहीं है, सब खतरनाक सांप है, जब चांस मिलेगा तो डसके ही मानेंगे, ऐसे ही होता है, ऐसे ही है, मतलब इंक्लूडिंग मी ऑल्सो, मतलब नॉट जस्ट लाइक दैट, हम सब ऐसे ही है, एक ही थैली के चट्टे बट्टे कहते हैं। सो कोई नहीं, प्रॉब्लम है सॉल्यूशन तो अपना है, सॉल्यूशन क्या है, लालच से निकले कैसे बताओ, क्योंकि जीवेरा लालसा जीव तुधाय कृष्णो दर परायण कृष्ण कभू ना पाए। जो लालची व्यक्ति है भगवान कह रहे हैं उसको कभी भी कृष्ण की प्राप्ति नहीं होगी, कि जीव का भी लालच है, मन का भी लालच है, धन का भी लालच है, ये उसको कभी नहीं मिलेगा भगवान, हमेशा माइंड उसी में चलता रहेगा उसको। सो क्या करें, कैसे निकले? सर नारद मुनि कह रहे हैं अर्थान अर्थे क्षया लोभम, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, अर्थ अनर्थ इक्षया लोभम, अनर्थ अर्थ में अनर्थ देखने से लोभ खत्म हो जाता है, मतलब इट्स सिंपल थिंग, जिस चीज में लालच है आपको उस चीज में दोष देखना शुरू कर दो, देखना मतलब उस चीज के दोष आपको रिसर्च करने पड़ेंगे, ऐसे अपने आप से नहीं दोष निकाल सकते आप, है नहीं, रिसर्च करके निकालना पड़ेगा भाई इसमें दोष क्या है, लिस्ट बनानी पड़ेगी, जैसे ऐसे दोष आपके निकलते जाएंगे ऐसे ऐसे मन हटता जाएगा, है नहीं। तो मान लीजिए आपको लालच है गाड़ी होगा, तो उसने जैसे BMW खरीद ली, तो उसको अब उसको गाड़ी खरीदने का शौक है BMW, तो उसको पहले रिसर्च करनी चाहिए BMW खरीदने के दोष क्या है, चलो ये देखते हैं, ठीक है, फायदे क्या है वो तो पता है उसको, मगर दोष क्या है वो देखता हूँ, फिर रिसर्च करे वो दोष ये है, दोष एक तो ये है कि मेंटेनेंस बहुत मांगेगी, ये मैं यूज ही नहीं कर पाऊंगा, खड़ी रहेगी नहीं, खड़ी खड़ी रहेगी तो जंग भी लग जाएगा, तो सारे दोष निकाले, धीरे 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 जैसे जैसे दोष की लिस्ट बढ़ती रहेगी ऐसे ऐसे मन हट जाएगा, यार क्या झंझट लेना इसका, दैट्स हाउ ऐसे लालच खत्म होता है, इसलिए रिसर्च की भी जरूरत होती है भक्ति में, रिसर्च की, है नहीं, खत्म हो जाएगा दोष। अगर मान लीजिए आपको बहुत लालच है ये कभी छोले कुलचे खाने का, दोष फॉर एग्जाम्पल, पता नहीं क्या मैं दिमाग में अटका हुआ है छोले कुलचे, हम बाहर का खाते नहीं ना तो मुझे एग्जाम्पल आते नहीं, अब मैं खाता होता तो मुझे एग्जाम्पल आ जाता, आई डोंट नो व्हाट पीपल लाइक एग्जैक्टली द बेस्ट थिंग जिसके पीछे पागल है, पूछना पड़ेगा किसी से। सो एनी वे, अगर तो आप छोले कुलचे के दोष निकालो, इसको खाने से क्या होता है, ठीक है फायदा तो चलो टेस्टी है, दोष क्या है, इसके हेल्थ डिफेक्ट्स क्या है, ये है ये है ये, और बाहर का आदमी बनाएगा तो उसको क्या हेल्थ डिफेक्ट्स है, क्या डिजीज हो सकती है, ये नहीं, तो सारे आप लिस्ट बना लो, फिर आप कहोगे यार हजार प्रॉब्लम है, छोड़ो यार छोले कुलचे खा के क्यों दिमाग खराब करना, यू सी। तो ये बहुत प्रैक्टिकल एडवाइस है नहीं, क्या प्रॉब्लम है, ऐसे लालच खत्म हो जाता है। सो डू सम रिसर्च, दैट्स ऑल, तो नॉर्मल एडवाइस करें, रिसर्च करो, और दोष ये, इसलिए दोष निकालना गलत नहीं है, दोष निकालना ये सही यूज है, यू सी द पॉइंट, यूज करना सिखा रहे, दोष निकाल लो, लिस्ट बनाओ, खत्म हो जाएगा, क्या हो, फिनिश हो गया, दैट्स ऑल।
तो इस तरह से लोभ खत्म हो जाएगा। और आखिरी है भय, भय खत्म करना है तो क्या करना है? भय है सर, किसी को भय है यहाँ पर या नहीं ये बताओ? हाँ क्या कहते हो, भय है या नहीं सबको? किससे भूल जाए, किससे डर है? चलो माया से तो है ही, कुत्ते से नहीं। पहले आप संसार की बातें करो ना, बड़ी बड़ी बातें क्या है। चिपकली से बहुत डर लगता है औरतों को, मुझे पता है। एक चिपकली आयो पागल हो जाएगी। ओके सो ये तो चीजें हैं, डर है, मगर उससे ज्यादा डर पता है किस चीज का है? एक चीज का सबको डर है, ये तो चलो छोटी छोटी चीजें हैं, मतलब मृत्यु और माया छोड़ दो अभी, वो एक बहुत बड़े लेवल पर चला गया। एक चीज का डर सबको है, मतलब डिवोटी या नॉन डिवोटी दोनों। नॉन डिवोटी को तो चलो माया तो उसको पता ही नहीं, मृत्यु के बारे में सोचता नहीं, उसको भी डर है, आपको भी, सबको डर है। एक चीज का, किस बात का डर है? अपनी चीजें खोने का, प्रतिष्ठा खोने का। दैट इज विथ एवरीबॉडी, प्रतिष्ठा खोने का डर। उसी की वजह से तो काम करते हैं हम, सारा झंझट उसी की वजह से है कि मेरा लेवल ये है तो मुझे इस लेवल पे रहना है। झंझट तो यही है ना, लेवल क्या नहीं, लेवल वर्ड नहीं होता, क्या होता है उसका, स्टेटस स्टेटस है, उस स्टेटस पे। तो अब प्रॉब्लम ये है, BMW खरीदने का एक दोष है बहुत बड़ा कि आपने एक बार BMW खरीद लिया, आपका स्टेटस वहां पहुंच गया, अब आपको BMW से नीचे खरीद ही नहीं सकते। और BMW होनी चाहिए आपके गैराज में खड़ी हुई, क्योंकि अगली बार मामा जी आएंगे वो कहेंगे BMW कहाँ चली गई, तो ये पत्नी की हालत खराब हो जाएगी, भाई मेरे टॉन्ट मार दिया, अरे BMW लेके आओ, तो वो बेचारा पूरे लाइफ काम ही करता है। 58 लाख की BMW, अब ये देखा डर गए ना आप लोग इस छोटे से मैटर से। ओके सो दैट्स हाउ इट गोज। सो डर प्रतिष्ठा खोने का बहुत डर है हम लोगों को। सो कैसे कैसे हटे इससे, मतलब सिर्फ भ्रष्ट नहीं, ब्रह्मचारी, प्रतिष्ठा तो बहुत बड़ी चीज है। मतलब आपकी अगर किसी प्रतिष्ठा समझते, प्रतिष्ठा वर्ड अच्छा नहीं है, कॉमन वर्ड क्या होता है, नाम नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट कह लो, एक्चुअली वो एक अच्छे सेंस में हो गया। सब बुरे सेंस में नहीं सोचते अपने बारे में, अच्छे सेंस के बारे में अच्छे सोचते हैं, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट है और एक स्टेटस है, उसके लिए वो बंदा कुछ भी कर जाएगा, फोन भी कर सकता है, कुछ भी हो सकता है उसके लिए, उसी के लिए होता है, होता उसी के लिए, पैसे के लिए थोड़ा ना खून होता है, पैसे के लिए कोई नहीं करता। आपने बताया तो था एग्जाम्पल, पता नहीं मुझे सही लग नहीं रहा है, हाँ पता नहीं, न्यूज़पेपर में आया था कि एक बंदे को पता नहीं दो तीन भाई थे, तो उनमें डिवाइड हुई उनकी प्रॉपर्टी, तो हर भाई को 100-100 करोड़ रुपए मिले, पता नहीं इतने पैसे कहाँ से आ गए, बट एक भाई को 95 करोड़ मिले। तो उसने कहा मेरी बेइज्जती हो गई, मेरे को 95, उसने सुसाइड कर ली 95 करोड़ में। मर गया वो, ऐसे ही होता है ना, आपको ज्यादा पता होगा, आप तो हाँ देख लो, ये तो अब क्लियर हो गया, क्योंकि मेरी बेइज्जती हो गई, मेरा मेरा स्टेटस और मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट कम हो गई, मुझे कम क्यों मिली, मुझे हीन दिखाया, हाँ देख लो, तो फिर तो बहुत बड़ी चीज है, इससे निकलना संभव है। सो हमारे डिवोटी में भी ऐसे होते नहीं, हमारी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है, किसी ने हम पे कुछ बोल दिया ये डिवोटी ऐसा है, तो अगर मान लीजिए आपके बारे में किसी ने बोल दिया कि ये माता जी है, ये प्रभु जी ऐसे हैं, और आपके पास बात पहुंच गई, तो आप पूरी जान लगा दोगे उसको हटाने के लिए, नहीं
दस फोन घुमाओगे, अबे भाई उसने ऐसा बोल दिया, उसने ऐसा बोल दिया, उसने क्यों बोल दिया, दस आदमियों से बात होगी नहीं, उसने गलत बोला ये वो, पूरी जान लगा लोगे आप। मगर वैष्णव कौन है? वैष्णव सबसे ऊपर होता है। अगर वैष्णव पे आप इल्जाम लगाओ ना, चाहे गलत भी हो, स्वीकार कर ले। सो कैसे निकले इससे? ये भय तो हम सब में ही है, हम कैसे निकले? निकलना तो पड़ेगा। कैसे निकले? भयम तत्वामर्शनाथ, नारद मुनि कह रहे हैं, सत्य की विवेचना करके भय का त्याग कर देना चाहिए। सत्य की विवेचना मतलब कि भय तब लगता है जब हमारे माइंड में झूठे आइडियाज होते हैं, हम अपने आप ही कुछ सोच साच के भय अपने आप अपने लिए बना लेते हैं। हमने तो सोचा है मेरा स्टेटस है, हमने सोचा है ना, हमने सोचा है कि अगर मेरे पास ये गाड़ी नहीं होगी BMW तो हजार जने मुझे ऐसा बोलेंगे, हो सकता है ना बोले। आप सोच के बैठे हो ना ऐसा, आप सोच के बैठे हो ना, अगर मेरे पास एप्पल आईफोन नहीं होगा तो और क्या कहेंगे मेरे फ्रेंड्स, सोच के बैठे हो, ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा ऐसा है भी। हम लोग आप डिवोशन से पहले आप जो भक्ति में नहीं आते वो सोच हमसे ही पूछते हैं, भाई हम तिलक लगाएंगे तो लोग क्या कहेंगे, यही होता है ना, ये होता तो नहीं है, तिलक लगाएंगे तो वो क्या कहेगी, वो क्या कहेगा, और वो भीड़ चैंटिंग करेंगे तो भैया मर गए, तो लोग कहेंगे पंडित आइन है, पंडित है, और सबके सामने चैंटिंग करना तो इम्पॉसिबल है। सोच के बैठे थे, मगर आपने कर लिया, कुछ हुआ? कुछ हुआ? आप सब लगाते हो तिलक, कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। तो सोच साच के जो हमने कहानी बना रखी ना अपने मन में, उससे भय लगता है। हमें भय मृत्यु का, क्यों? जब मरेंगे तो फिर क्या होगा आगे जाकर? नहीं सोचा है ना हमने, पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, दर्द होगा, डर लगेगा, क्या होगा, कहानी बना रखी है। अब सच जान लो, सत्य की विवेचना करें, सच जान लो, सच जानो मृत्यु के बाद क्या होगा, मृत्यु के बाद क्या होगा, सच क्या है? एक शरीर छोड़ के डर खत्म होगा, मतलब आप बार बार उस पर थोड़ा मेडिटेट करना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं खत्म होगा, बट सोचते रहोगे तो खत्म हो जाएगा। सत्य में आने से डर खत्म हो जाता है, झूठ में रहने से डर बढ़ जाता है नहीं? तो अब ऐसे होता ही है, आपसे कुछ पूछा, आपने उस चीज को छुपाने के लिए झूठ बोल दिया, बस आपको डर लगना शुरू हो गया कि मैं पकड़ा ना जाऊं, है नहीं? झूठ बोलोगे तो डर नहीं लगेगा, पता नहीं पकड़ा ना जाऊं, फिर झूठ को छुपाने के लिए आप एक और झूठ बोलोगे फिर डरते रहोगे। आप अगर आप सच बोल दोगे तो सच्चा सच्चा बंदा निडर होता है, तो कर ले, देख ले, मैं तो सच ही है, जा देख ले तू, वो भी करना कर ले। तो इसलिए सत्य जानने की कोशिश करो, सत्य क्या है संसार का, डर छू मंतर हो जाएगा। सत्य तो ये है भाई कि ना हमारा कोई स्टेटस है, ना कोई कुछ है, हम भगवान के दास हैं, बाकी लोग जो भी कुछ कहें हमें उसकी परवाह नहीं है। हमें परवाह है भगवान की आंखों में हम क्या कैसे, लोगों की आंखों में जो भी हो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लोगों की आंखों में तो गंदे ही होंगे। कौन कौन किसको चाहता है? अगर अपन ही अपने को नहीं चाहते, दूसरे थोड़े ना चाहेंगे। सो भगवान ही चाहते हैं हमें, तो भगवान की आंखों में सही है, ठीक है, और भगवान क्या चाहते हैं हम तो वो करेंगे, दैट्स ऑल। सो उससे भय का नष्ट हो जाता है। सो दैट्स ऑल, काम क्रोध लोभ भय को हटाने का तरीका ये, और अब मैं कल डिस्कस करूँगा, कल कौन से श्लोक थे? 21, 22। कल हम डिस्कस करेंगे कि शोक से, मोह से, मान अपमान की इच्छा से और हिंसा से, इससे कैसे दूर हो, मतलब एनवियसनेस, द्वेष से। सो नारद मुनि इसके लिए भी टिप्स दे रहे। सो दैट्स हाउ इट गोस, कुछ पूछना है, कुछ कहना है उसको। सो याद हुआ, हो गया आप लोगों को सबको, काम वासना कैसे छूटेगी? प्लानिंग पूरा आंसर नहीं है, प्लानिंग विद डिटर्मिनेशन, प्लान करना दृढ़ता के साथ,
कुछ कॉन्क्रीट प्लान चाहिए। क्रोध कैसे हटेगा? जैसे जैसे काम वासना का खत कम हो गया, ऐसे ऐसे क्रोध अपना कम हो जाएगा, अलग से काम करने की जरूरत नहीं। लोभ, दोष देखने से लोभ खत्म हो जाता है, ये दोष का सही इस्तेमाल है, दोष देखने का। और भय, सत्य जानने से भय नष्ट हो जाता है। तो तेज बोलना क्या, अब तो मैं रिपीट करता हूँ। मैंने फोन खरीदना है, सेल फोन लेना है, तो मैं उसकी क्वालिटी भी देखूंगा, मैं उसमें दोष भी देखूंगा। सेल फोन की जरूरत है वो बात अलग है, लालच तो एक अलग चीज है ना, आपके पास ऑलरेडी आप दूसरे मॉडल के पीछे घूमते जा रहे हो फालतू में, क्यों देख, काम चल रहा चल रहा, संतुष्ट रहो। नहीं अभी एप्पल 6S आया, 6S प्लस आ गया, फिर X आ गया, X9 आ गया, उसी में घूमते रह रहे, क्यों भाई? बात हो रही है ना, तुस्सी कैसा है, हो गया ना, बस यही पूछना है आपको उस एप्पल आईफोन में, X में भी ये पूछना है, X5 में भी पूछना है, तो करना क्या? यू सी द पॉइंट, पॉइंट ये है कि है ये बात है, शो करने की आदत बुरी है भैया। अब आप देखो, अब आपकी कितनी बेइज्जती होगी जब आप फटीचर से फोन निकालोगे जेब से, लाल कलर का छोटा सा ये फोन, और इस पर बात कर रहे होगे अपने दोस्तों के सामने, तो बात चाहे वही हो रही होगी बट आप अपने माइंड में बना रखा है आपने मेरी कितनी बेइज्जती होगी। अब फिर आपको फोन खरीदना है 70,000 का, उसके लिए काम करो फिर दिन रात, तो आप क्या करोगे? आप इससे भी संतुष्ट रह सकते हो, इससे काम करने की जरूरत नहीं है आपको, आराम से घर में बैठो इससे बात करो। और आप वो फोन खरीदना चाहोगे, काम करोगे, फोन लाओगे, मगर बात नहीं कर पाओगे उस पर, जब बात करोगे नींद आ जाएगी, थक गए। सो ये देख रहे हो, अब सब कबाड़ा है। सो अब हमने मन में तो बना रखा है कि इससे मैं बात करूंगा तो मेरी बेइज्जती, मेरे माइंड में है ना, वो चाहे जो भी सोच रहा है उसकी वैल्यू क्या है। प्रभुपाद 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 कह रहे थे, प्रभुपाद प्रभुपाद कह रहे थे, अगर 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 एक गधा दूसरे गधे के बारे में सोचता है तो कोई वैल्यू है? एक ए, एक गधा कह रहा है दूसरे गधे से, आज तू बड़ा स्मार्ट लग रहा है यार वाह अब भाई, अब दूसरा देखने वाला है यार, ये गधा है वो भी गधा है, क्या हो गया? ऐसे ही है, ऐसे ही है। आईफोन में बात कर रहे हो कि आपके फ्रेंड कहेंगे यार ये बहुत सही फोन है, अरे यार वो गधा है, वो गधा है, क्या करें? ऐसे ऐसे होता है, नहीं होता है संसार में। वही कि मैं पार्क में ही था, वो पता नहीं कि मैं चैंटिंग कर रहा था, तो दो फीमेल माता जी मिली, तो वो माता जी दूसरे माता जी से कह रही थी, मैं ऐसे ही सुन रही कि आज तू बहुत स्मार्ट लग रही है। तो उसने भी कहा हाँ, अरे तेरा स्वेटर बहुत सुंदर है। तो मैं सोच रहा था यार ये भी मूर्ख, ये भी गधी, ये भी गधी, अब किसको को कैसे समझाऊंगी, दो एक गधी दूसरे की कह रही है, एक गधी कह रही है, हाउ डज इट गो? और दोनों ही, हमें तो पता है दोनों ही स्मार्ट नहीं है। सो लाइक दैट इट गोज, लाइक दैट, सो दैट इज हाउ इट गोज। सब यहाँ बना रखा अपने सब झगड़ा, जो भी संतुष्टि नहीं है ना, तभी हम करते रहते हैं, अदरवाइज काफ़ी है और क्या। पहले ज़माने में लोगों को खरीदने का शौक नहीं था, समझे, हमारे बूढ़े लोगों को, वो चलाते थे कई सदियों तक, मेरे बाबा मेरे दादा, आपको भी पता होगा, फेंकने का वो स्टाइल नहीं था, वो रखते थे चलाते रहते थे। हाँ क्या क्या, बाल्टी पीतल की, हाँ पीतल की बाल्टी चलती थी, पीतल की बाल्टी पे लिखा होगा आपकी, आपकी परदादी का नाम लिखा होगा, वो चल रहा होगा तब से। हमारे वैदिक संस्कृति में नहीं है फेंकने का,
वो स्टाइल हमारी भाई संस्कृति में जब तक चल रहा है चलाते रहो। प्रभुपाद ने बोला ये जो फेंकने का चेंज करने का जो सिस्टम है ये बाहर के देशों से आया है, ये फेंको दूसरा मॉडल तीसरा चौथा पांचवा, ये बाहर के देशों से आया, इंडिया में नहीं था ऐसा, चलाते थे इंडिया में तो अपनी बनियान को ही पोछा बना लेते हैं। नहीं बनियान चलती थी मुझे याद है बचपन में, 10-6 को आते थे फिर भी वो पहन के घूमते थे, ऐसे होता था नहीं होता था, चलती रहती थी, 6 के साथ पहनते थे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर जब हम बड़े हो गए तो मेरे हमारे भाई ने पहनी वही 6 वाली होता ऐसे ही था ना, क्या भी होता होगा नहीं नहीं होता ही था, फिर हम खेल भी खेलते थे वो 6 से देखते थे ऐसे ही चलते हमारे यहाँ तो ऐसे ही एनी वे लाइक दैट। हरे कृष्ण श्रील प्रभुपाद की।